गाइस चेक कर सकते हो, यहाँ पर है बर्फ। लैंडस्लाइड हो गया था, वो दिक्कत हो गई थी बस। लेकिन रात हमने एडवेंचर कैसा करा पैरों में पन्नी तक क्या रहता। आगे चक्कर ये है कि सबके जूते भीगे पड़े हैं ऑलमोस्ट, लेकिन क्या करें, दोनों ने इन्होंने पन्नियां कर ली हैं। आप लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ का भी काफी पता लग रहा कि सही है नहीं है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे टुमनाथा ट्रैक के लिए। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, यू आर वॉचिंग MLRC व्लॉग्स। तो कैसे हो सभी, आई होप बढ़िया हो गए, मजे में, फिट एंड फाइन, चुस्त और दुरुस्त हम लोगों की तरह। तो गाइज अपना स्टे हो चुका था, हम आए थे यार, इतनी गंदी बारिश हो चुकी थी जिसमें से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया और रात लेट भी हो गए थे। उसके बाद में खाना पीना खा कर जो ठंड लगी है, तो भाई उसके बाद कुछ चारा नहीं था भाई पढ़ने का। अब सुबह सुबह उठ के नाश्ता वास्ता कर लिया, फ्रेश फ्रेश हो गया बाइक के, अब वार्म अप कर रहे हैं बाइकों का। अब तुम पहले सामने का नज़ारा चेक करो यार, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे टुंगनाथा ट्रैक के लिए। बड़ा मजा आने वाला है ट्रैक करने में, क्योंकि इन पहाड़ों में आप लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ का भी काफी पता लग जाएगा कि सही है नहीं है। हैं पैरों में पन्नी तक क्या रहता। आगे चक्कर ये है कि सबके जूते भीगे पड़े हैं ऑलमोस्ट, लेकिन क्या करें, दोनों ने इन्होंने पन्नियां कर ली हैं इधर कहीं से, हमने कहीं से करी नहीं। तो भाई साहब जूते गीले हैं, अंदर जुराब भी सूखे हुए हैं, लेकिन अब एहसास नहीं हो रहा इस टाइम। वाह वाह क्या वाकई में। लेकिन रात हमने एडवेंचर कैसा करा मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसे एडवेंचर कर नहीं सकता था जो हमने करा। हमने लैंडस्लाइड पार करी है, और ये बात अगर घर वालों को पता लगी ना तो हमारी चलो काट देखा जाएगा इसको सोच तो रहा हूँ यार, चलो लगा लेते हैं, पहले माउंट लगाते हैं, बाइक पे मिलते हैं। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अब फाइनली। आ जाओ भाई, अपना स्टे छोड़ दिया, अब चल रहे हैं हम चौपटा की तरफ। गाइस आप नज़ारों के मजे लो, ये देखो इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। रात में हमें ये रास्ते नहीं दिखाई दिए थे। तो गाइज ये वो लोकेशन थी जहां पर रात को आकर के हम रुके थे, और फिर यहीं से हमने जो है अपना स्टे किया था आगे के लिए। बारिश इतनी ज़्यादा थी यार, लिटरली हमारी एक बाइक बीच रास्ते में गिर भी गई थी। और वाकई में जो रात एडवेंचर हुआ है, मतलब आप पिछले व्लॉग में देख सकते हैं जो एडवेंचर हुआ था, वो इतना तड़कता भड़कता हो गया था। लेकिन नहीं, शायद वो चीज़ तो रिकॉर्ड हो नहीं पाई, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा थी तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि मतलब रिकॉर्ड कर लिया जाए भाई, क्यों कैमरा वोटर प्रूफ है नहीं, और अगर कैमरे भीग जाता तो भैया लेने के देने पड़ जाते, एक महंगा फटका लग जाता फिर। तो इस वजह से कैमरा तो फिर मैंने बैग में डाल लिया था। और जितना भी हमने ये देख लो, कम से कम 60-70 किलोमीटर हमने बारिश में ही खींची है भाई मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि हमने जब कोई ब्रेक नहीं लिया था, ज़्यादा ही होगा 70-80 किलोमीटर्स के आसपास जो हमने बाइक खींच दी थी बारिश बारिश में। और सीन तो ये हो गया था, हमने लैंडस्लाइड हो चुका था, हमने लैंडस्लाइड में से ही पार कर दी थी, क्योंकि रात के टाइम में ना पता नहीं लगता। देख सकते हो किस तरह का रास्ता है भाई साहब, मतलब इस टाइम है ना, हाथ इस टाइम भी ठंडे पड़े हैं। ये देख लो, रात का टेम्परेचर भी क्या, यहाँ का 0°C था, तो और साथ साथ में बर्फ़ थी, तो भाई साहब रेल ही बन गई।
और अब वैसे हम क्या कहते हैं टुंगनाथ जा ही रहे हैं, और टुंगनाथ में चौपटा भी हमें क्या कहते हैं बर्फ़ मिलने की संभावना है, और उसके साथ साथ में आपका उसके साथ साथ में चंद्रशिला पे वैसे बताया गया है कि बर्फ़ मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाइक ही देखते हैं। पैरों में शॉर्ट सॉक्स है गाइस, बड़ा ठंडा माहौल लग रहा है पैरों में। नीचे तो पैर भी सफ़ेद सफ़ेद हो गए, पता नहीं जैसे क्या क्रीम प्रीम लगा ली हो क्या ली, बिल्कुल चिट्टे गोरे। अब यार बस टाइम से पहुंच करके, फिलहाल अभी जो है टाइम हो रहा है 7:50 का। अब जा कर के यार टाइम से ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि अप्रोक्स 5 to 6 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग है, और ट्रैकिंग को करने के बाद भाई साहब वैसे ट्रैकिंग भी खड़ी है, ऐसा नहीं है सीधी होगी, क्योंकि हमें पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब टॉप ऑफ द हिल। तो भाई साहब सीन वाके में ही, ओहो, एक तो सामने से सूरज पड़ रहा है ना, तो आगे है ना पूरा सनलाइट से वाइज़र ब्लैक हो रहा है। वैसे तो अंदर मैंने सनग्लासेस भी पहने हुए हैं, मतलब मेरे इस एग्जोर के हेलमेट में इनबिल्ट आए थे, जो कि सन वाइज़र जो मेरे इस हेलमेट में इनबिल्ट आया था। ओह माय गॉड, यहाँ तो मंकीज थे, चिंपैंजीज नहीं, लंगूर यस। शायद पता नहीं कैमरे में फील हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, जैसे आगे पूरा धूप की वजह से है ना एकदम ब्लैकआउट सा हो रहा है। जो बात है, रास्ते काफी बढ़िया मजेदार है। माय गॉड, चेक इट आउट गाइस, व्हाट अ व्यू। गाइस पता नहीं आपको बाइक का साउंड आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कानों में सुन के जो बाइक के साउंड की एक भाई भाई आ रही है ना, बड़ी ही कैड़ी आ रही है। और भाई साहब पब्लिक रिएक्शन भी है मेरे एग्जॉस्ट का, जबकि ये स्टॉक एग्जॉस्ट है मेरी बाइक में इस टाइम। अगर मैं इसी को एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या ही बवाल बैठ जाएगा, सोचना ही बात है। कल जितना भी हमें राइडिंग ग्रुप मिला था ऋषिकेश के अंदर, तो भाई अगर वही चीज़ें मैं अगर बाइक में करा लेता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मेरठ शहर में दूर दूर तक ऐसी बाइक नहीं होगी कसम से। अरे यार भाई लोगों देखो यार व्यू देखो, क्या लाजवाब है यार, चेक इट आउट गाइस, जगह अच्छी है ना, ज्यादा अच्छी है। हाँ फोटो खिंचवाने मन कर रहा तो खिंचवाएं, फिर खिंचो बाइक साइड में लगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएगा राइट पे, क्या कह रहा है, तकिया लेकर आना चाहिए था। इंग्लिश है, हाँ जी तो कुछ पूरा मजा आ गया होगा आपको, पूरा एकदम सॉलिड।
लैंडस्लाइड हो गया था, वो दिक्कत हो गई थी बस कौन सी जगह? यही जगह आते हुए थोड़ा सा, क्या कहते हैं जगह का तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ से लखनऊ भाई, आले बीस रामपुर किलोमीटर वाले। आगे। हाँ अच्छा, जी वो तो उठा दिया होगा उन्होंने। अच्छा हाँ, अब तक तो क्लियर हो गया होगा, ये रात की बात है, लगभग 9-10 बजे की। हाँ जी, हाँ, तो फिर आप कैसे आए? अच्छा हम बस कूदते फांदते आ गए दूसरे रास्ते से। मैंने कॉल दिया होगा सर। जी आप भी रेंसी लोन के थे ये टीचर? गाइज, इतनी सुंदर लोकेशन थी, बढ़िया, हमने 2-4 रिव्यू बना लिए और फोटोज भी क्लिक कर लिए हैं। अब अपन चल रहे हैं, वैसे फोटो क्लिक तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम वीडियो में से बना लेंगे। अब निकलते हैं आगे की तरफ, गेट सेट गो। अरे बैक कैमरे से 0.5, 0.5। गाइस चेक कर सकते हो, यहाँ पर है बर्फ, मतलब कल बर्फ पड़ी थी और बर्फ के साथ में जो बारिश पड़ी ना, उस बारिश ने बर्फ को पानी कर दिया। क्या बात है, मुझे विचार। तो अभी ऊपर पहुँचते पहुँचते हमें और भी बर्फ मिलेगी। यस यस, तो चोटी पर पहुँचते पहुँचते हमें मिली बर्फ मिल ही जाएगी। वेल 0.5 में पीछे व्यू इतना अच्छा रहा था। क्या हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इतने ऊपर। तो मेरे ख्याल से हम फाइनली तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मेन मार्केट, जहां से तुंगनाथ बाबा का जो है पथ स्टार्ट होता है। माय गॉड, आ गया। अरे दूसरी कहां लगेगी? मैं कह रहा हूं दूसरी कहां लगेगी, एडजस्ट करो इसमें। अरे ये वाली बाइक थोड़ी सी इधर खिसका देंगे भैया। अच्छा हटा रहे हैं, चलो अब हो गया काम हमारा। हटा रहे हैं, हैं? हाँ और क्या। एक दो का क्या?